Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Sanya Rahman from Green Revolution Pakistan Upcycle. तो जी आज हमारा कोई आठवां दिन है जब हम लॉकडाउन है अपने घरों में कोविड-19 की वजह से. और आई नो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सट्रीमली बोर हो रहे होंगे अपने घरों में और उनको कुछ चाहिए करने के लिए. तो क्या करें क्या करें, तो क्यों ना रिसाइकलिंग करें और उन्हीं चीज़ों से करें जो घरों पे मौजूद हैं. तो जैसा कि मैं अपनी पहले एक वीडियो अभी रिसेंटली ऐड कर चुकी हुई हूँ, वो भी इसी चीज़ के ऊपर है, ताकि आप लोग बोर ना हो, आपके पास एक हेल्दी एक्टिविटी हो. और रिसाइकलिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. उसका लिंक मैं नीचे अपनी वीडियो के और ऊपर दोनों तरफ शेयर कर दूँगी, उसको आप देखें. और अब आज की जो वीडियो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ बाहर से चीज़ें चाहिए नहीं होंगी. इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको घर पे मिल जाएंगी. जैसे कि मैं आज जो यूज़ करने जा रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ एक स्टायरोफोम की प्लेट. ये किसी भी शेप की हो सकती है, सर्कल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है. प्लेट नहीं है तो आपके पास हो सकता है बॉक्सेस हों, क्योंकि घरों में अक्सर आते हैं, जब हम बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं तो अक्सर वो स्टायरोफोम बॉक्सेस में आते हैं. हालांकि नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, लेकिन बाहर से यही मिलते हैं आजकल. तो खैर, इनको अगर आपने रखा हुआ है, कोई आपके पास कोई भूला भटका हुआ, अगर कोई पुराना बॉक्स पड़ा हुआ है या प्लेट पड़ी है, तो आप उसको यूज़ कर लें. डिस्पोजेबल प्लेट पड़ी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइसक्रीम बॉक्सेस आते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं, उनमें उनके जो लिड्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. वो भी अक्सर ओवल, स्क्वायर, सर्कल शेप में होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं. और उनसे मैं एक फ़ोटो फ्रेम बनाने जा रही हूँ, तो आप फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं. और जैसा कि मेरी जो लास्ट वीडियो है, जो इसी तरह आपकी बोरिंग को दूर करने के लिए बनाई गई थी, ताकि आप मज़ीद बोर ना हो, तो जो है उसको भी आप देख सकते हैं. उसमें मैंने प्लेट्स यूज़ की थी, पुरानी प्लास्टिक प्लेट्स जो या तो बहुत पुरानी हो जाती हैं, और या बाज़ दफ़ा उनमें कोई गिरने वगैरह की वजह से कोई कॉर्नर्स टूट जाते हैं या कोई क्रैक्स आ जाते हैं, तो खाने के काबिल नहीं रहती, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको स्टायरोफोम प्लेट को पहले एक वाइट कोट किया, फिर उसके बाद मैंने इसके एजेस को एक फ्रेम लुक देने के लिए ब्लैक और फिर गोल्डन पेंट किया. और अब मैं एक प्लास्टिक के बैग से जो है उस गीले पेंट को ही उसके ऊपर वो प्लास्टिक का बैग रखूँगी, तो एक थोड़ा सा माइनर सा टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा. आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ये किया. अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पास पेंट्स नहीं होंगे, तो अब वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें यार, पेंट्स तो हैं नहीं, तो पेंट्स वाला फिर प्रोसीजर हम कैसे कर सकते हैं. तो और अगर लॉकडाउन ही खुलने का वेट करना है, तो फिर अभी क्या करेंगे. तो उसके लिए एक और आसान तरीका ये भी है कि एक जो है ना, अब अक्सर ख़वातीन के पास घर में कुछ पुरानी लेसेस के पीसेस बचे हुए पड़े हुए होते हैं, या कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं पर लेस बिल्कुल ठीक होती है, या उस पर बीड्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो आप ऐसी लेसेस को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई पुराने बीड्स पड़े हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं. पुराना फैब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े बाज़ दफ़ा होते हैं, छोटे छोटे पीसेस, कटिंग्स जिनको बोलते हैं हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो कटिंग्स बची हुई पड़ी हुई होती हैं, तो उनको आप कोई फैंसी कपड़ा वगैरह टाइप, उनको आप यूज़ कर सकते हैं एजेस को लगाने के लिए. अब आप जैसे साथ साथ देख रहे हैं कि मैंने रिजन को मिक्स किया और उसको मैंने एक नीचे एक पतली सी लेयर लगाकर उसके ऊपर मैंने एक फ़ोटो को चिपका दिया. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी आया है कि इस फ़ोटो के पीछे मार्कर से बच्चों ने लिखी हुई थी, जिसको जब मैंने यहाँ पेस्ट किया तो वो थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई. तो अगर आप चाहते हैं कि वो नज़र आए,
कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ना नज़र आए तो फिर वो वाली पिक्चर्स को यूज़ करें जिन पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ठीक है, वो अगर आपकी मर्ज़ी है, आपकी डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। खैर, मेरे पास ये कुछ वुडन पीसेस थे जिनमें से कुछ तो मैंने पुराने वेडिंग कार्ड्स के ऊपर से उतारे थे और कुछ मैंने खुद बाय किए थे और उनको मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बटन्स भी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ वुडन चार्म्स हैं ये बेसिकली। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो जैसे मैंने पहले कहा कि घर में कुछ बीड्स वगैरह टाइप की या कुछ स्टिकर्स या कोई इस तरह की क्यूट सी चीज़ें घर पर होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, आजकल ड्राई प्लांट्स मिल जाते हैं मार्केट में, मतलब उसमें से कुछ भी अगर आपके घर पे है जो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसको ड्राई दालों के साथ लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो आप उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पर साइड्स पर। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि रेज़न तो नहीं है, और इस वक्त रेज़न कहाँ से लेकर आएँ, तो रेज़न का भी ऑप्शन मौजूद है और वो वही है जो मेरी पहले कुछ वीडियोस में भी था और आप उसको बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं, और वो है वाइट ग्लू और या क्राफ्ट ग्लू। कोई सी भी घर पर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उससे चीज़ों को पेस्ट करें और उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए और उसके ऊपर शाइन देने के लिए या तो आप वाइट ग्लू को ही दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो आपके पास अगर वार्निश है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है और आपके पास ट्रांसपेरेंट पेंट है जो गाड़ियों वगैरह पे भी यूज़ किया जाता है तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। घर के मर्द हजरात से पूछ लीजिएगा, उनके पास ऐसी चीज़ें निकल आती होती हैं, तो उनसे पूछें, हो सकता है अब्बू के पास, भाई के पास, हस्बैंड के पास कुछ ऐसा गाड़ी वाला पेंट भी पड़ा हुआ हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है आप उसको भी यहाँ पे शाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नीचे आप किसी भी ग्लू के साथ चीज़ों को पेस्ट करें बड़े नीट तरीके से, और उसके बाद आप उसको शाइन करने के लिए अगर रेज़र नहीं है तो ये जितने सारे मैंने ऑप्शंस बताए हैं इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। अब क्योंकि मैंने रेज़न यूज़ किया था तो रेज़न में ये चीज़ होती है कि आपको उसको ड्राई करने के लिए जो है वो या तो हीट गन यूज़ करनी पड़ती है, और अगर हीट गन नहीं है तो एक बड़ी ही आसान सी चीज़ है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर की क्योंकि जो हवा होती है वो गर्म होती है तो वो भी इसको ड्राई करने में और इसमें स्पेशली जो एयर बबल्स होते हैं ना उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप इसको 12 आवर्स टू 24 आवर्स आप इसको छोड़ दें ढक के, ताकि इसके ऊपर कोई मिट्टी ना लगे, कोई इस तरह की चीज़ ना आके लगे, क्योंकि इसके ऊपर जो भी चीज़ एक दफ़ा चिपक गई ना वो उसने उतरना नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी। और जो है आपने इसके ऊपर उंगली नहीं लगानी, उंगली लगा के हमें टच करने की बड़ी आदत होती है, तो खाना हो कोई भी चीज़ हो तो हमने मतलब उंगली ज़रूर देनी होती है उसमें, तो उंगली नहीं लगानी आपने इसको। और क्योंकि इसमें जब रेज़न जब आप यूज़ करते हैं तो इसको ऑब्वियसली पहले हमने इसको पेस्टिंग के लिए यूज़ किया, जब सारी चीज़ पेस्ट हो गई तो उसके बाद हमें इसके ऊपर छोटी छोटी 2 से 3 लेयर्स 2 से 3 दफ़ा इसको हमें मज़ीद मतलब रेज़न डालना पड़ा, ताकि इसको एक प्रॉपर लेवल तक जो है वो हम चीज़ों को कवर करके तो उसके ऊपर फिर एक मतलब एक लेयर प्रॉपर हर चीज़ के ऊपर एक लेयर आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें सारी उभरी हुई थी तो हर चीज़ को एक कवर करना ज़रूरी था, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर 2 टू 3 लेयर्स लगानी पड़ी। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको कुछ अच्छी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए उनको जो है वो एक कह लें महफूज करने का एक अच्छा तरीका मिल गया होगा, और इसी बहाने आप अपना कमरा भी डेकोरेट करें और अपने घर को सजाएं और घर पर रहें, सेफ़ रहें, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि एक घर के एक फर्द की लापरवाही पूरे
पूरे घर को बीमार कर सकती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, अपने आप को अच्छी और हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, जिसमें रिसाइकलिंग है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दें, अपने लिए कोई अच्छी हेल्दी जो है ना चीज़ों को करते रहें। फारिग बैठ के सिर्फ टीवी देख के कोविड 19 कोरोना कोरोना मत खेलें, उससे आप बीमार नहीं भी होंगे तो आप हो जाएंगे, आपको रात को ख्वाब में भी कोरोना कोरोना की डायन नज़र आएगी। तो प्लीज़ जो है ना ये काम ना करें, खुश रहें, रिलैक्स रहें, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है ना। चिल आउट करें, रिलैक्स रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी मेरी पहले वाली और अब वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको देखें, कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आएगा जो इस वक्त आपके घर में, और आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ गार्डनिंग के हवाले से हैं मेरी वीडियोस, कुछ कुकिंग के हवाले से हैं, उनको भी देखें। ये वाला चैनल देख लें तो मेरा दूसरा चैनल लगा लें, सनियाज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उसको देखें, उसमें बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो बच्चों को दिखाएं और ख़ुद भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें, और अच्छा टाइम स्पेंड करें, रिलैक्स रहें। तो फिर मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा, अल्लाह हाफिज़।